एक और मेरा प्रयास एक सिंपल रॉक के साथ क्रूज क्रिएट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, कुछ सुनाया जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपको भी इसी तरह से नया प्लांट ढूंढना है और आत्मनिर्भर होना है प्लांट के साथ रॉक। तो चलिए, पिछले साल हमने कुछ इसमें और नया करने की कोशिश की थी। इस प्लांट को स्प्लिट किया था यहाँ और नीचे का पार्ट चला गया है, फिर भी दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है। जो चाहिए था वो नहीं हुआ, तो उससे बेटर हो गया। ये जो हीलिंग हुआ है वो बढ़िया है। तो चलिए उसको हम ट्रिमिंग कर लेते हैं। प्लांट में इस तरह का डेवलपमेंट दिखने लगता है, इसमें ग्रोथ हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं दोस्तों, जिससे वो आप उसको रिपोर्ट करें या ना करें, वो अपने आप अपनी एनर्जी इकट्ठा करके फिर से ग्रो करना शुरू कर देता है, क्योंकि डोरमेट से कंडीशन में चले जाते हैं प्लांट विंटर के दौरान। उसके बाद ये अभी कुछ जाके ये अपना काम स्टार्ट किया है। अब ये पिपली है फाइकस टेस्ला, या इसमें आप इस तरह से डिफोलिएशन कर सकते हैं, बट पीपल का प्लांट है तो डिफोलिएशन करने से बचे। वट वृक्ष में भी आप डिफोलिएशन करने से बचे, क्योंकि उसमें डिफोलिएशन के बाद दो ब्रांचें यहाँ से निकलेगी, इसका कोई गारंटी नहीं। पीपल और वट वृक्ष में यहाँ निकल सकते हैं। ये पीपली है, तो ये एक सिंपल सा छोटा सा प्लांट 3-4 साल पहले मैंने लगा दिया हुआ था, इसमें शायद उससे पहले का भी हो। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से जकड़ने की शुरुआत है। हमने उसको ज़्यादा बेंड कर दिया था पिछले साल, और ज़्यादा हम उसको ट्विस्ट करेंगे इस बार। तो बहुत ही ज़्यादा बेंड हमें चाहिए यहाँ, अननेचुरल दिखने वाला, बट बाद में वो नेचुरल होगा। तो चलिए उसका थोड़ा सोइल चेंज कर लेते हैं, रूट सिस्टम पेन लेकर डालते हैं एक। तो जैसा प्लांट वैसे रूट सिस्टम है, तो यहाँ हेयर कट, ज़्यादा छोटे रूट में हेयर कट, बड़ी रूट है वही निकालनी है। देखिए बहुत ही छोटा सा प्लांट लगा दिया था हमने, यहाँ केवल हेयर कट ज़रूरी है, बस हो गया। रूट सिस्टम की तुलाई में नहीं करता ये, देखिए इसका बेस भी नहीं बना हुआ है, ये इसी तरह से है। तो ये एक स्टेम सा बन जाएगा इस प्लांट का, हाइट भी लगभग 1 फीट से ज़्यादा है, 1.25 फीट की है। सिंपल से रख दिया है हमने, पहले से ही मैं सोइल मिक्स भर दिया हूँ। सॉरी थोड़ा दिक्कत आ रही, प्लास्टिक नहीं निकल रहा, कोई मतलब नहीं, क्योंकि रूट्स अब नीचे जम चुके हैं, मैं फिर भी रखे रहता हूँ। तो चलिए प्लांट को स्टेबल किया जाए। ये जो पहले से लगे हुए कुछ से है, उन्हीं से हम उसको एंकर कर देंगे, क्योंकि कोई और तरीका है नहीं। वायर भी नहीं हटाए हैं मैंने, क्योंकि वायर मार्क नहीं दिखे हैं, इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे ये थिकन होता चला जाएगा दोस्तों, ये अपना एक स्टेम ही बना लेगा इस रॉक को, और उसकी रेमिफिकेशन भी होती रहेगी। तो इसी के साथ दोस्तों, बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई वायरिंग नहीं अभी, सिर्फ फ्रेमिंग और रिपोर्टिंग। चलिए मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।